ऑर्डर है। हाँ यस इट हैज सेक्शन। यस फर्स्ट पेज पे जो गर्ल्स बैठी, यू वांट टू टेल मी समथिंग? यस यस थोड़ा लाउडली बोलो बेटे। यस वॉइस कमिंग। हैव यू अंडरस्टूड कि दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड वी राइट एक्स प्लस टू, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डू यू नो? रेज योर हैंड जिस इसको पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, रेज योर हैंड। ए सेक्शन, सी सेक्शन, डू यू नो दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है? एंड व्हेन वी पुट इक्वालिटी साइन बिटवीन दैट, जीरो और समथिंग एल्स, तो वो क्या बन जाता है? इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है? इक्वेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, हाउ टू सॉल्व इट, वी हैव डन इन सेवेंथ क्लास। यस दिस इज द फर्स्ट डे, तो हम आज थोड़ा सा सेवेंथ क्लास का रिवाइज करेंगे। इन दैट यू रेड अबाउट ट्रांसपोजिशन ऑफ नंबर। टेल मी व्हाट इज ट्रांसपोजिशन, कोई बताएगा इसका मीनिंग? व्हाट इज ट्रांसपोजिशन? एफ सेक्शन, नाउ लिसन टू मी, एवरीबॉडी लुक से। ट्रांसपोजिशन मींस वी ट्रांसपोर्ट द नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। यू कैन सी हियर, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। इक्वालिटी का साइन है। व्हेन वी शिफ्ट एनी नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, वी कॉल इट ट्रांसपोजिशन। ओके नाउ इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन वी आर जस्ट रिकॉलिंग द प्रीवियस हेलो, इलेवन। एक्सक्यूज मी मैम, हेलो, यस बेटा, यस आई कैन हियर। यस यस मैम, काइंडली ज्वाइन 8E सेक्शन मैम. ओके मैम, ओके। यहाँ पे मैम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। एक्चुअली उसे होस्ट से रिमूव किया जा रहा है, बार बार हम ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन आप अलाउ परमिशन नहीं आपकी तरफ से आ रही है. ओके ओके फोर स्टूडेंट थे ना जो पेरेंट्स पढ़ गया, तो फोर ही है ना उनका। मैं क्या पूछ रही हूँ बेटी, आप डूइंग दिस ट्रांसपोजिशन, यू हैव डन इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो। प्लीज स्टार्ट करो इसको। ज्वाइन कर लेंगे सून, टिल द टाइम बाकी सेक्शंस स्टार्ट करो ही करना। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हियर। ओके सो व्हाट डू यू डू, जो भी एक्स के साथ लगा हुआ है उसको हमने राइट साइड पे ट्रांसफर करना है। हाँ
व्हाट विल बी द साइन, इसका साइन क्या हो जाएगा बेटा सेवन का जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो? माइनस। अब थोड़ी सी आवाज आ रही है मेरे को, डू यू नो कि वो माइनस हो जाएगा जब ट्रांसपोर्ट करेंगे? माइनस। रेज योर हैंड, आई वांट टू सी कितनों को आता है। तो आज फिर सेवन की क्वेश्चन रिवाइज करने पड़ेंगे सारे। चलो वेरी गुड, माइनस सेवन, दिस यू नो इट इज माइनस टू, बिगर माइनस स्मॉलर। This we have to find x. It will be minus 2 divided by 2. अभी हमने numbers को right hand side पे लेके जाना है और x को अकेला छोड़ देना है left side पे. ठीक है? So what is coming? X की value बताओगे? Minus 1. Minus 1. Everybody has found. Yes. This is called transposition method. Okay. ओके बेटा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन मेथड, जिसमें हम एक 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 करके सारे नंबर्स को एक्स के साथ जो लगे हुए हैं उनको राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करके उनको सॉल्व करते जाते हैं और लास्ट में जो हमारे पास एक्स की वैल्यू रह जाती है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। छोटा सा क्वेश्चन है और काफी बच्चों को आता होगा ये, है ना? अभी याद आ गया आपको, सेवन पे किया था आपने। तो लेट्स सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में यू हैव अ डिविजन साइन, 7g divided by 4 is equal to 35 divided by 2. Okay, यहाँ पे वेरिएबल आपके पास है g. g के साथ जो कुछ भी लगा है उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओ। और आपको पता है इसका ट्रांसपोजिशन का, जब मल्टीप्लाई होता है ट्रांसफर हो के डिवीजन हो जाता है, जब डिवीजन होता है We are trying. Okay. We are trying it. चलो please continue. बाकी बच्चे continue करो. ये repetition है, कोई बात नहीं, 8th को दोबारा explain कर देंगे. We are just trying. थोड़ी problem आ रही होगी. Fine. Multiplication when transport to other side it becomes division. Division becomes multiply. प्लस बिकम्स माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, ये सारे अपोजिट हो जाते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है बेटा, इफ यू डोंट नो दिस रूल या फिर आपने याद आ रहा है या फिर थोड़ा सा भूल भी रहा है आपको, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। ये रूल आपका बार बार यूज होगा, हर एक चैप्टर में यूज होगा। लीनियर इक्वेशन में भी आप सेम रूल अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे अभी आपके पास यू कैन सी यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, यहाँ भी फ्रैक्शन है राइट हैंड साइड पे। वी आर डूइंग सेकंड क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले फर्स्ट नाम हमारा होता है कि उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना। इक्वेशन की फॉर्म में जब तक नहीं आएगा वो आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई, पुट एरोस लाइक दिस, 2 विल गो अप, 7g से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 35 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4. ओके, नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल इक्वेशन, यू कैन सी इट। हमारा डिनोमिनेटर जो है वो खत्म हो गया है, यू कैन सी इट ना, दिस इज 14g इज इक्वल टू 140. तो व्हाट इज बी? तो ये आपको पता चल गया कि जब तक हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन नहीं बनेगी ऐसी, और उसके बाद ऐसी सिंपल इक्वेशन नहीं बनेगी तब तक हम वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। नाउ लेट अस डिस्कस दिस आल्सो, हु विल एक्सप्लेन मी हाउ टू डू इन थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े डिफरेंट लिए हुए ताकि आपके सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। थिंक अबाउट थर्ड क्वेश्चन, कई बच्चे सेकंड क्वेश्चन भी नोट कर रहे हैं, दिस इज फाइन, नोट डाउन करो इसको, नहीं तो आपका ये बाद में जब लीनियर क्वेश्चन में यूज होगा तो आपको फिर समझ नहीं आएगा। Thank you.
do third question. Okay? You only tell me. Anybody? Third one. And 70 section, you want to tell me, beta? Yes, aage aata. Kuch puchna hai aapne? Section, I can see you, beta. This section se jo girl aage aayi hai, beta, you want to ask something? Tell me, aapne? It's working. Yes, beta. You want to say something? Aapki awaaz nahi aa rahi hai. Yes, for a long time. समझ लिया है ना.
आगे चलते हैं. नाउ आई कॉल द नेम. फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने बताया था जैसे हमने सेकंड किया था वैसे फोर्थ वाला करना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल है. लेट अस डू फोर्थ वन. फिफ्थ वन सॉरी, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर फाइव. आप ही स्टार्ट करो. I can see hand in states G. Okay. सबको करने दो. दो मिनट वेट करो. नंबर फोर ब्लास्ट. ओपन द ब्रैकेट. माइनस फोर बी माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस 84. Yes, now I can see hands. बाकी क्लास में बस आपने ही हैंड रेस किए. Tell me the steps also. आंसर में बताओ. स्टेप बताना इसके बाद. माइनस फोर बी विल बी इक्वल टू व्हाट? Yes, beta. More hands. I can see more hands. E section. Anybody from E section? First, boys, back here, center me. इसका आंसर बताओ मेरे को. फर्स्ट बेंच पे बॉयज बैठे हैं. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? माइनस 84 प्लस 12. और एक जी से जो बच्चा आगे आया था. आपकी आवाज नहीं आई बेटा. कुछ प्रॉब्लम लग रही है लगता है. कितना भी आप सॉरी बोलो. मैम माइनस 72. माइनस 72 वेरी गुड. बी हियर. आपकी आवाज बहुत क्लियर है. Tell me what is B? Minus 72, yes. What is B? B equals to minus 72 divided by 4. Very v, good. V equals to minus 18. V equals to 18. Because minus minus dono cancel ho gaye. V is equal to 18. Now raise your hand. This is ka V is equal to 18 aa raha hai. Very good. वेरी गुड. अभी आपको लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ आएगा. आगे आपको समझ आती है रूल्स इनके. चलो नेक्स्ट. दिस वाज ट्रांसपोजिशन मेथड. आपको समझ आ गई क्या अप्लाई करना है उसमें. अभी आगे है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को. ये जो आप देख रही हो ना ये सारे फ्रैक्शन में नंबर्स हैं. यू कैन सी 2x बाय 5, 15 बाय 4. क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये सिंपल इक्वेशन है? यस और नो? अगर मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को देखूं क्या ये सिंपल इक्वेशन है? 26. एज इट इज. अभी हमने कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, किसी को कोई नहीं शिफ्ट नहीं किया. As it is, जो हमें फ्रैक्शन में दिख रहा है क्या वो सिंपल इक्वेशन है? और saying yes, raise your hand. Yes, ये सिंपल इक्वेशन है. और बाकी said no, नहीं है. Raise your hand. ना कोई yes ना no. थोड़ा doubt लग रहा है. So you should know this is not simple equation. इसे सिंपल इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो वी विल डू 2x बाय 5 इज इक्वल टू 15 बाय 4. वी विल ट्रांसपोर्ट 4 ऑन दिस साइड एंड 5 ऑन दिस साइड. इसको एक सिंपल इक्वेशन में हमने लेके आना है. ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 8x इज इक्वल टू 75. 8x इज इक्वल टू 75.
or you can write it as 8x minus 75 is equal to 0. ये आपकी एक simple equation बनी है जो आपको आपने देखी हुई है, solve की हुई है, books में जो लिखी हुई है, आपको बोला जाता है कि एक simple equation है, simple equation है. तो simple equation की शक्ल आपको अभी समझ आ गई कि ऐसी ही होनी चाहिए. ठीक है, इसको अब आगे हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन. इसको आगे करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू टू थिंग्स. एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा इक्वेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? अल्जेब्रिक इक्वेशन बोल लो या सिंपल इक्वेशन बोल लो, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप सिंपल ये नंबर देखते हो 8x minus 75, ये आपके पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. मैंने बिगनिंग में शुरू में भी बताया था, अभी दोबारा बता दूं क्योंकि माइंड से निकल जाती है ये चीजें. ओके, सेटल डाउन. 8 है, जो बच्चे बैठ रहे हैं प्लीज एक दूसरे को स्पेस दो, जल्दी से बैठो. ओके, सेटल हो जाओ. बच्चे जो अभी ज्वाइन किए जिन्होंने, आई एम जस्ट रिपीटिंग फॉर देम, ध्यान से सुन लो. अभी हमने सिर्फ ट्रांसपोजिशन मेथड सीखा है जिसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है. ठीक है, वो आपने ऑलरेडी 7th क्लास में भी किया हुआ है कि एक सिंपल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है. ठीक है, नाउ आई एम टेलिंग यू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है. एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास वेरिएबल होता है, प्लस माइनस का साइन होता है और नंबर होते हैं, 75 और 8. इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, इसको कोई इक्वालिटी का साइन नहीं होता. एंड इक्वेशन में हमारे पास इक्वालिटी का साइन होता है, जैसे अभी अभी हमने लिखी 8x 75 = 0. दिस इज एन इक्वेशन. 8x is equal to 75, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन हो और आस पास उसके दो एक्सप्रेशन हो, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन. आप इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो पता चल गया आपको. क्वेश्चन प्लीज कन्वर्ट इट इनटू सिंपल इक्वेशन. सिंपल इक्वेशन बस बतानी है मेरे को, आंसर नहीं बताना. सिंपल इक्वेशन ए सेक्शन, वेरी गुड. फर्स्ट बॉय, आर यू रेजिंग योर हैंड बेटा? फर्स्ट बॉय, ये एट थे के बच्चे प्लीज बी रेडी, आई विल कॉल यू. बता दो बेटे जल्दी से. कन्वर्ट इट इनटू एक्सप्रेशन. लॉजिक बोलोगे, 5 इज इक्वल टू 4x. वेरी गुड, सिंपल. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नंबर निकाल लिया हमने, सिंपल इक्वेशन बन गई हमारे पास. तो हमने इसको लिख सकते हैं 84x minus 5 equal to 0. सॉल्व करना अभी आपने सीख ही लिया ट्रांसपोजिशन में. अभी जो बच्चों ने ज्वाइन किए हैं, आई वुड लाइक टू डू वन क्वेश्चन फॉर देम. ट्रांसपोजिशन में क्या करते हैं? ट्रांसपोजिशन में हम नंबर को उठा के उस साइड पे ट्रांसफर करते हैं और उसका साइन चेंज कर देते हैं. जैसे 84x था यहाँ पे, वी टेक 5 ऑन द अदर साइड, तो उधर जाके ये 0 5 हो जाएगा, उसका साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाता है. एंड सो इट विल बी x इज इक्वल टू 5/84. इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हो. अभी निकल आइए. ठीक है, उसको हमने डेसिमल में करना है या फिर उसमें जो भी हमने करना है इसको, वो बाद में देखेंगे.
अभी आपको सिर्फ ये समझ आनी चाहिए कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने उसको x की वैल्यू कैसे निकाला। काफी यूज होने वाला है आपका अभी एट क्लास में। यू नीड नॉट टेल बेटा, एक दूसरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी लिसन टू मी, ओके? मैं आपको माइन्यूटली सब कुछ बता रही हूँ, आपको सब कुछ याद आ रहा है अभी पिछली क्लास में आपने जो जो भी किया था। फोर्थ क्वेश्चन बेटा, इट इज 1 + 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2/7। थोड़ी सी बड़ी बड़ा नंबर हो गया है उससे जो हमने पिछले क्वेश्चन किए। आप अपना रूल फॉलो करो, रूल क्या फॉलो किया था कि जब तक हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को खत्म नहीं करेंगे, हमारे पास सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं आएगा। तो हमारा सबसे पहला काम है इसको डिनोमिनेटर को शिफ्ट करो। तो 7 × 1 + 3x अभी आप करो, मेक योर ओन इक्वेशन, वेरी गुड। अब इसको डाउट है प्लीज खड़े होके मेरे से पूछो, ओके? आपस में नहीं बात करनी। ओपन द ब्रैकेट, यू नो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। इट विल बी 7 + 21x इज इक्वल टू 10। अभी इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करना है। अभी हमने x की वैल्यू नहीं निकालनी, पहले जो दोनों साइड पे कांस्टेंट दिख रहे हैं उनको इकट्ठा करेंगे क्योंकि वो लाइक है। तो क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं, उनको हम इकट्ठा करते हैं हमेशा, ठीक है? इकट्ठा करने के लिए मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करोगे आप, ठीक है? तो 21x विल बी इक्वल टू 10 - 7। 21x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/31. So simple. 31, you can cut it easily. It will be 1/7. X की वैल्यू आपके पास आ रही है 1/7. हम आज कर रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि हमने अपने मेथड्स रिकॉल करने हैं कि हमने सेवन में कौन कौन से मेथड अप्लाई किए थे। आंसर से कोई मतलब नहीं है कि आंसर निकला कि नहीं निकला या फिर मैच कर रहा है कि नहीं। फोकस ऑन द मेथड कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया और नंबर्स को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे क्यों लेके जा रहे हैं, ठीक है बेटा? लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर राइट इज वेरी वेरी सिंपल, मिस्टेक होने का उसमें कोई चांस ही नहीं है अगर आप रूल फॉलो करके क्वेश्चन करते हो। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सेम यू विल डू योरसेल्फ, ये करना है अभी आपने, यू वांट टू डू इट नाउ? चलो दो स्टेप ही लिखने हैं बस, सिर्फ सिंपल इक्वेशन बना के दिखा दो। प्लीज डू इट, x की वैल्यू हमने निकाला, जो सिंपल इक्वेशन बना के दिखा दो व्हाट विल हैपन। क्वेश्चन हियर अगेन, आई थिंक आपको नीचे विजिबल नहीं हो रहा होगा। Understand beta.
आपने बिना लिखे को समझ ही नहीं आएगा। ओके, बाकी को करने दो, दो मिनट वेट करो, पेन डाउन, वेरी गुड, आई विल कॉल यू। ए सेक्शन आल्सो, फर्स्ट बेंच, दिस रो एंड दिस साइड रो, यू आर नॉट राइटिंग बेटा, पेन चलाना पड़ेगा आपको, उसके बिना तो समझ ही नहीं आएगा कुछ। कल फिर से सेवंथ ही रिवाइज करेंगे, सेवंथ ओनली। यस, जी सेक्शन, जी सेक्शन से कौन आके बताएगा? देखा ना, बी सेक्शन, एफ सेक्शन, एफ सेक्शन, ओके, जी सेक्शन, आई कैन सी योर हैंड, दैट बॉय आ जाओ आगे, वेरी गुड, आपकी वॉइस भी क्लियर थी, आपने लाउडली बोला था, यस कम। क्वेश्चन बता दो क्या बन रही है, सेवन ब्रैकेट ओपन टू एक्स माइनस फाइव ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई थ्री, वेरी गुड, एक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री, वेरी गुड। इसके बाद मेरे को लास्ट स्टेप बता दो, अगर आपने इक्वेशन बना ली है तो 14x minus 35 equals to 3x. 14x minus 35 is equal to 3x. Very good. Again. 14x minus 3x equals to plus 35. Excellent. Very good. All the steps are correct. 11x equals to 35. Excellent. Please clap for him. I'm so happy to hear him. Itni nicely usne har ek step bataya hai. और बिल्कुल क्लियर वॉइस में बताया, वेरी गुड, इसको बैक बच्चे, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी है, 11x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन बनी है, तो हम आगे ट्रांसपोजिशन से सॉल्व करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी वाले ही आपकी टर्म्स और ये इक्वेशंस आपके सामने आने वाली हैं अभी इस चैप्टर में, किसी को कोई स्टेप नहीं समझ आया यू कैन आस्क मी। यस, इन बच्चों ने हाथ नहीं खड़ा किया था, मेनी ऑफ द सेक्शन एट, ए सेक्शन आल्सो, ए सेक्शन, ये फर्स्ट बेंच में जो बॉयज बैठे हैं, यू आर टॉकिंग अ लॉट बेटा, पहले आप बोले थे, अभी सब आ गए, आई थिंक यू हैव ऑल क्लियर, नहीं आपने काम करना, इट्स ओके, बट बातें नहीं करो आपस में। लास्ट क्वेश्चन, कन्वर्टिंग इंटीग्रल इनटू सिंपल इक्वेशन, किसी को कोई डाउट है, किसी को जिस इसको ये समझ आ गया, रेज योर हैंड, मुश्किल नहीं आएगी अगर यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आती है, ये भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, एलसीएम निकालने वाला मेथड जो आपने सिक्स में सीखा था, सेवेंथ में थोड़ी सी मुश्किल आई आपको, अभी एट्थ में, नाइन्थ में, ये चलता ही जाएगा आगे आगे, वो भी स्टेप करने पड़े, तो स्टेप्स के बीच में कंफर्टेबल होना चाहिए ना कि हाँ ये स्टेप आया तो क्या करेंगे, ये स्टेप आया तो क्या करेंगे, स्टेप्स को पहले कंफर्टेबल कर लो कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले इजी वाला क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड वाला करते हैं पहले, लेट अस डू सेकेंड वन, फिर फर्स्ट वाला करेंगे, 7 by 5 minus 5 by 3. Two
फ्रैक्शंस को हमने माइनस करना है। किस किस को एलसीएम लेना मुश्किल लगता है, हाथ खड़ा करो सो दैट मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करूंगी टॉपिक। नाइन के बच्चों को भी मुश्किल लगता है, इसलिए शर्माना नहीं है, प्लीज रेज योर हैंड जिस इसको मुश्किल लगता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है ये टॉपिक मुझे पता है, इसलिए हाथ खड़ा कर दो। चलो कोशिश करो फिर, जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे इसका मतलब दे वांट टू ट्राई, कोशिश करो। क्या सीखा था आपने, फ्रैक्शन कैसे प्लस और माइनस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको, उसके बाद फिर आगे चलना, ठीक है। रूल में आपको बता देती हूँ एलसीएम निकालने के लिए रूल मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग, ये जो डिनोमिनेटर के नंबर्स होते हैं 5 और 3, इनका हमने एलसीएम लेना होता है, जो आपने ऑलरेडी सीखा होगा, ठीक है। एंड यू नो 3 और 5 दोनों ही इंडिपेंडेंट नंबर है, कोई किसी के टेबल में नहीं आता, तो कई बच्चे इसको ओरली भी कर लेते हैं कि 3 × 5 हमारा जो है वो एलसीएम आ गया इज इक्वल टू 15 हमारा एलसीएम आ गया। कई बच्चों को मुश्किल होती है तो आप रफ में कर सकते हो, अगर आप ओरली कर सकते हो कि 2 इंडिपेंडेंट नंबर है जिनका आपस में कुछ भी नहीं, कोई फैक्टर नहीं मिलता, तो उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम निकालो, ठीक है। आपने क्या किया, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 15 लिख दिया, ड्रॉ कर लेनी है 15 आएगा। उसके बाद एक नंबर आपका यहाँ पे आएगा माइनस और एक नंबर आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 7/5 था, यहाँ पे 5/3 था, तो दोनों दो नंबर तो आने ही आने हैं। प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। हमें क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है, एलसीएम जो हमारे पास आया उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 मतलब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर के साथ। अगर किसी को मुश्किल है या नहीं याद आ रहा, ये रूल लिख लो आप, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपके सामने करेंगे, एलसीएम इज 15 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, अभी हम सिर्फ फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, ओके। डिनोमिनेटर इज 5 जिसका आंसर आपके पास आया 3, देन 3 इंटू न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर इज 7, व्हाट इट विल बी 3 × 7, सो इट विल कम 21 हियर, ठीक है। ये जो आप लिखते हो ना बेटा यहाँ पे, यही पे आपको मुश्किल आती है थोड़ी सी, मुझे पता है ये बच्चे भूल जाते हैं। बट जब भी आप बेटा इसका रूल लिख लोगे ना हर एक क्वेश्चन का, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। प्लीज राइट डाउन दिस रूल, हर एक क्वेश्चन भी सॉल्व होगा आपका, अप्लाई होगा वो भी निकल जाएगा माइंड से। आपके माइंड में वो स्टोर हो जाएगा, यू नो, कभी भी नहीं भूलेगा। ओके, किस किस ने निकाल लिया रेज़ योर हैंड, सेकंड बॉक्स में क्या आने वाला है। ओके, मेनी हैंड्स आई कैन सी इन ए सेक्शन, बी सेक्शन, यस, जी भाई, वेरी गुड, बी एक्टिव, कभी एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया है, बाकी वेरी गुड, वेरी गुड, बी सेक्शन 25, वेरी गुड 25, एवरीबॉडी इज गेटिंग 25 आई होप, अगर आपने रूल अप्लाई किया तो गलत नहीं हो सकता, दिस इज 25, वेरी गुड, सो इट विल बी कमिंग -4/15, इसका आंसर आ रहा है -4/15। नमन,
रूल को अपने सामने रखना है, रूल को अप्लाई करना है हमेशा जब भी आपने एलसीएम लेना है. इट इज क्लियर नाउ? अगर आज मुश्किल लगा है तो हर रोज उसको रूल देख देख के करो क्वेश्चंस को. इट्स ओके, चार पांच दिन रूल को देख देख के करोगे तो अगले दिन ऑफ कोर्स आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है बेटा, दिस इज फाइन. अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला करते हैं, फर्स्ट वाला करते हैं. अभी इसको आते हैं वो स्टार्ट करो. इट इज 2/3 + 1/5 + 1/4. बेटा ये नहीं सोचना कभी ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा आपको, ये तो हम पिछला कभी रिवाइज कर रहे हैं. ओके, डायरेक्टली क्वेश्चन में जब ये चीजें आएंगी आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगी, इसलिए हम इसको कर रहे हैं. ओके, स्पेशल बच्चों क्लास की भी मतलब तो क्या सेल जिस इसको आता है. गुड गुड, पेन चलाओ अपना. एफ सेक्शन, ओह योर पेन जैसे हम लोग पहले डिनोमिनेटर्स का. वेरी गुड, 8th से अभी बच्चे लिख रहे हैं. वेरी गुड, आई एम गोइंग टू कॉल फ्रॉम 8th नाउ. सबसे पहले मुझे एलसीएम बता दो, एलसीएम कितना आ रहा है? 60. प्लीज रेज योर हैंड जिसे इसका 60 आ रहा है. वेरी गुड, ये आता है आपको. डिनोमिनेटर आपको पता चल गया 60 आ. एक लॉन्ग लाइन बना दो क्योंकि 3 नंबर ऊपर आने हैं हमारे पास. ठीक है, ऊपर आपके पास ये बॉक्स में आपके लिए बना रही हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है. दो चिल्ड्रन जिनको पता होना चाहिए कि ऊपर हमारे पास 3 नंबर आएंगे. ठीक है, 60 को हमने रूल अप्लाई करो, 60 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिरेटर. रूल अप्लाई करो. वेरी गुड, सबसे लिख रहे हैं सारे. वेरी गुड, आई एम हैप्पी टू सी. What will come in the first box? 40. Very good. Very good. Second number. Very good. Third number. Third number. Very good. 8th, the last girl. ये जो बेटा आपने पहले बताया था, आपकी friend भी is also raising her hand. आपके साथ ही फर्स्ट बेंच पे. यस बता दो बेटा. यस यस गुड. वेरी गुड, सबका यही आंसर आ रहा है मुझे पता ही. आज अभी सीरियसली किया सबने. वेरी गुड, मैसेज निकाला सबको आ गया है. तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे नहीं इसको करेंगे. सिर्फ आपको ये समझना था कि एलसीएम कैसे निकालें. देखेंगे क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है वैसे चलेंगे. एलसीएम की एडिशन सबट्रैक्शन आ गई है समझ. ठीक है बेटा, वेरी गुड. अभी नेक्स्ट करते हैं, लेट्स गो अहेड. Everybody state. Hello. थोड़ा सा understand करो इसको. Linear equation in one variable. आपका मतलब है कि आपके पास जैसे आपने algebraic expression देखी थी, algebraic expression है left hand side पे, ax plus b. एक algebraic expression होनी चाहिए और साथ में equal का sign होना चाहिए और equal के right hand side पे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए. ठीक है, ये जानी पहचानी इक्वेशन है. क्या आपने इसको सिंपल इक्वेशन भी बोलते थे लास्ट ईयर? लास्ट ईयर जब आपको सिंपल इक्वेशन का चैप्टर करवाया था तब भी आपको यही सेम इक्वेशन लिख के बताई थी कि इसको हम सिंपल इक्वेशन बोलते हैं. वाज इट सेम? ऐसी ही सेम. एक वेरिएबल होता है, एक्स की जगह एम हो सकता है, वाई हो सकता है, टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बाकी ये जो है वो सेम ही रहेंगे, ए बी.
आपको ये भी बताया गया था कि जो वेरिएबल के साथ लिखा होता है, जो भी एक्स वाई जेड के साथ लिखा होता है उसको हम कॉफिशियंट बोलते हैं, और जो बिना वेरिएबल के होते हैं उसको हम कॉन्स्टेंट टर्म बोलते हैं। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखूं, आई कैन राइट इट एज 5x + 7 = 0। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या होगा? 7। कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्या होगा? 5। वेरिएबल क्या होगा? एक्स। ओके, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपका चैप्टर का नाम है वन वेरिएबल। एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज होगा, चाहे वो वाई हो, चाहे एम हो, टी, एस, व्हाटएवर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इनके नाम आपको पता होना चाहिए जो आपने ऑलरेडी किए भी हुए हैं। दिस आर नॉट न्यू नेम फॉर यू, सेवेंथ में किया आपने सारा। सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। x minus 9 is equal to 12. You can see here the highest power of the variable x is 1. आपकी ये भी condition होनी चाहिए, आपको 7th में भी बताया था और simple equation में भी, कि highest power of x variable की अगर 1 है उसको हम बोलेंगे linear equation in one variable. One variable, एक condition होनी चाहिए कि one variable होना चाहिए, दूसरी condition the highest degree of the variable should be. दो कंडीशंस आपकी होनी चाहिए तभी हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इज दिस अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? प्लीज सी इट केयरफुली। इज दिस अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? x² - 5 = -4। नो, हु आर सेइंग नो? रेज योर हैंड। हु आर सेइंग नो? Very good. No, this is not linear equation in one variable. क्योंकि उसकी पावर जो है वो एक से ज्यादा हो गई। हमें x के ऊपर 2 दिख रहा है, वो जो कि नहीं होनी चाहिए। The highest power of the variable x is more than 1. You can see here more than 1. 2 आ गई यहाँ पे। तो ये हमारी linear equation नहीं होगी। Equations with one variable and the highest degree of the variable is greater than 1 are not linear equations. Please remember, एक से ज्यादा या फिर -1 होगी उसके पावर या -2 होगी, then also it is not a linear equation. ठीक है, इसमें भी एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। This is also linear equation and this is also simple equation. क्योंकि आपने पढ़ा था x + 3 = 12। का मतलब क्या है कि आपका बैलेंस होना चाहिए दोनों साइड पे, शुड बी ऑफ इक्वल हाइट। इक्वालिटी साइन हमें क्या बता रही है? इक्वालिटी साइन ये बता रही है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, जैसे बैलेंस भी होता है, बैलेंस कब होता है? जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बोथ सेम वेट होता है। तो लीनियर इक्वेशन में या फिर सिंपल इक्वेशन में भी हम उनको इस फॉर्म में लिखते हैं। और इक्वालिटी का साइन मैटर्स अ लॉट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि वो हमें ये बता रहा है कि ये दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है दोनों साइड। रिपीटिंग अगेन, आपको पता है कि आपके पास जो 2x है उसमें 2 टर्म है, 2x एक टर्म है और 5 भी एक टर्म है। एक्सप्रेशन में लास्ट ईयर पढ़ा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस के आसपास जो टर्म्स लिखी होती हैं, एक या दो टर्म, उनको हम काउंट करते हैं। दिस इज वन टर्म, अपनी नॉलेज के लिए, दिस इज जस्ट एन रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस क्लास। दिस इज वन टर्म, दिस इज सेकंड टर्म। टर्म के अंदर एक टर्म को अगर मैं इंडिपेंडेंटली देखूं, अगर मैं सिर्फ 2x को देखूं, तो इसमें मेरे को कॉफिशियंट भी दिख रहे हैं और एक वेरिएबल भी दिख रहा है। कॉफिशियंट कौन है? जो वेरिएबल के साथ है। Coefficient is 2, variable is x. और पूरी expression में आपके पास constant कौन है? 5, जिसके साथ कोई variable नहीं लगा, अकेला number जो होगा वो एक constant होगा। अभी आपको याद आ रहा है सब कुछ ये पढ़ा था आपने algebraic expression में? सबको याद आ रहा है? सबको सेम चीज आप बार बार अभी 8th में भी पढ़ने वाले हो। ओके, कम टू दिस, जस्ट फॉर नॉलेज, यू शुड नो दिस ऑल ऑल्सो। See here, algebraic expression is here,
ठीक है, उसका वेरिएबल बताना है, कॉफिशियंट बताना है, कॉन्स्टेंट बताना है। ये सेक्शन फर्स्ट बेंच पे बॉयज बैठे हैं, स्टैंड बेटा, इसका बताओ इसका आंसर। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? 2x + 5 - 1 What should come below variable? Variable के नीचे क्या आएगा? आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक इसको अंडरस्टैंड करो। यस बेटा, x variable is x. What is coefficient? 2 is coefficient. What is constant here? -5. यहाँ से देखो, what is constant here? 5 - 1. 5 - 1. It should be 4. Very good. Very good. Sit down. ये चीज आपको ध्यान से देखनी है, ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो हमने इसको सॉल्व कर। ओके, नेक्स्ट वन, बी सेक्शन। बी सेक्शन फर्स्ट बेंच पे जो गर्ल्स बैठी है इधर, जल्दी से बता दो, व्हाट इज वेरिएबल हियर? माइक आपके सामने ही होगा, जल्दी से बैठे बैठे ही बता दो। लाउडली बोलो, पास आके बोलो बेटे उसके। इसमें एक्स, वेरी गुड, दिस इज एक्स। व्हाट इज कोफिशिएंट? 9. व्हाट इज कांस्टेंट? ओके ओके, सिट बेटा सिट। 7. हु सेड 7? -7. -7, very good. मेरे को यही सुनना था आपसे। -7 is the constant. क्योंकि आप इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हो 6th में 7th में, अब आपको ये पता चल गया है कि जिस नंबर के साथ नेगेटिव लिखा होगा उसको वैसे ही बोलना है। इंटीजर को हमने -7 की फॉर्म में बोल सकते हैं, ठीक है? उसको नहीं बोलना, मतलब ये नहीं बोला कि वो 7 है, उसको बोला -7। ओके, अगेन हियर दिस कोफिशिएंट इज, what is coefficient of x here? 1. Raise your hand. You bol rahe hai 1. Very good. Very good. X ke saath something is here. Kuch hai nahi hai wahan pe. But happy hai. So that is 1. So what is constant? That is 10. Very good. Now, next is y/9 + 7. Variable is y. Sabko pata chal chuka hai. कॉफिशियंट y के साथ क्या लगा हुआ है? y by 9 है ये। What is coefficient? 1/9. 1/9, very good. And constant is 7. This is repetition of your last year जो आपने किया था। Okay, today we have done very very important things बेटा, जो आपके आगे काम आने वाली है। लीनियर इक्वेशन आपकी तभी समझ आएगी चैप्टर जब आपको ये चीजें बताऊंगी। तो अगर मॉड्यूल आपके पास है, यू कैन ओपन द मॉड्यूल। Open the module. MCQ first question. Linear equation in one variable has अब आपने समझ लिया है, ऑप्शंस पढ़ो इसके ध्यान से। First option is only one variable with any power. B is only one term with a variable. C is only one variable with power 1. And D is only constant term. अब तक तो पता चल गया होगा सबको। Very good. F section से I can see hands. Second bench पे.
The girl is raising her hand. Yes, जल्दी से बता दो. Okay, first bench पे. First bench पे जो girl बैठी है, तो वो raising her hand. जल्दी से बता दो. कौन सी option आएगी? Linear equation in one variable has which option? Can I? Section you are. You are sitting in which section? Who said can I? D section. Okay, बता दो बेटा. That's your option. C option. F section ही जो girl you came to tell बेटा आपकी voice नहीं आ रही है. आपकी भी C option है क्या? Raise your hand. F section से. You wanted to tell me C option only. सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. सबको पता चल चुके हैं. अभी आपने कितनी सारी लीनियर इक्वेशंस अपने सामने देख ली हैं. हमने उनको सॉल्व भी किया है. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सिट डाउन बेटा. एक तो उसका एक वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल की पावर वन होनी चाहिए. कंडीशन है आपकी. ठीक है. इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स then the solution of the equations ax is equal to b has to be always what would you do? ax is equal to b. मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है. ax minus b is equal to zero भी हो सकता है. दोनों का सेम मीनिंग है. मैंने बताया था आपको. ठीक है. ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन. if a and b are positive integers, दोनों पॉजिटिव है. मान लो ए आपके पास वन है और बी आपके पास टू है. दोनों पॉजिटिव है. देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हैज टू बी पॉजिटिव नेगेटिव या फिर वन या जीरो. प्लीज फाइंड आउट एक्स की वैल्यू क्या आएगी. यहाँ पे बी को पहले ट्रांसपोर्ट करोगे. अभी अभी आपने ट्रांसपोजिशन सीखा है. पॉजिटिव आएगा. उसके बाद x इक्वल टू क्या आएगा? b / b आएगा. अच्छा लगे चाहे किसी से भी नोट को लेके अपनी कंप्लीट कर दो. ठीक है. मुझे नहीं पता कब से नोट पर मैसेज लेके गई है कि प्रिंसिपल मैम ने चेक किया. प्रॉपर इंडेक्स होना चाहिए. सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए. पॉजिटिव पॉजिटिव. वेरी गुड. बहुत क्लियर. आपको जो सामने दिख रहे हैं उसके बारे में बताओ. वन और जीरो तो बाद में आएंगे ना जब नंबर्स आएंगे. अभी तो हम नंबर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं. सिर्फ हम ए और बी की बात कर रहे हैं. ए और बी हमें दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं तो हमने आंसर दे दिया पॉजिटिव. ठीक है. कॉन्फिडेंटली बोलना है आपने. डाउट नहीं होना चाहिए. वन एंड जीरो तो हम बता ही नहीं सकेंगे क्योंकि हमें नंबर ही नहीं पता ए और बी क्या है. ठीक है. या तो दोनों सेम हो तो हम बताएंगे कि वो भी कैंसिल हो गया वन बन गया. तो इट इज पॉजिटिव. वेरी गुड. थर्ड क्वेश्चन. अभी अभी आपने सॉल्व किया ऐसा वाला क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है. देन वी विल डू फर्दर. थर्ड क्वेश्चन. 2x plus 4 सॉरी plus 3 इज इक्वल टू x माइनस 4. मैंने आपको बताया था जब इक्वालिटी के दोनों साइड पे हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं तो उसको हम इक्वेशन बोलेंगे. वेरी गुड. एफ सेक्शन फर्स्ट बेंच. आई कैन सी योर हैंड. बता दो बेटा एफ सेक्शन. दैट गर्ल इज रेजिंग हर हैंड. वेरी गुड. जल्दी से बता दो. एक्स इज इक्वल टू व्हाट? एफ सेक्शन. बेटी आपने हाथ खड़ा किया था फर्स्ट बेंच. द गर्ल रेज हर हैंड. जल्दी से आंसर बता दो. ओके ओके. माइनस सेवन इज इट? सो इट इज माइनस सेवन. वेरी गुड. तो आपकी कौन सी ऑप्शन आ रही है? बी ऑप्शन. एग्जाम्पल किए जितने भी हमने ट्रांसपोजिशन वाली चीजें की है क्रॉस मल्टीप्लाई की है वो सारे आपके अभी काम आएंगे. ओके. फोर्थ क्वेश्चन लास्ट. फोर्थ क्वेश्चन. 2 - 4 सॉरी एक्स बाय 3. 2 - x/3 इज इक्वल टू 4. आपके तो यू आर डूइंग इट फास्ट. The child is standing in front of camera only. Okay. Okay, good, good, good. Let others also do. Karne do sabko. Very good. Method aapko samajh aa chuka hai. C section first boy. I can see your hand.
जल्दी से बता दो बेटा। माइनस एक्स क्या एक्स इज इक्वल टू व्हाट? माइनस एक्स वैल्यू क्या आ रही है बेटा? माइनस एक्स ए ऑप्शन, ए ऑप्शन माइनस एक्स। ओके मुझे एक्स सुन रहा था आपकी आवाज। ओके ठीक है, तो इट इज माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय थ्री। अभी अभी जो हमने मेथड लगाया था वही लगाना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, क्योंकि फ्रैक्शन है वो, फ्रैक्शन को हम सॉल्व नहीं करेंगे जब तक उसको सिंपल इक्वेशन नहीं बना सकते। तो इट विल बी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सिक्स, तो एक्स विल बी इक्वल टू सिक्स। It is 2 minus 4 and this is, okay fine, this should be plus 10, ah, no, ye plus aa gaya, to plus hua, to ye minus 6 ho gaya, x is equal to minus 6, a option. Kis kis ka minus 6 aaya, raise your hand, very good, you have come to know. To jitna humne hard work kiya, shuru mein LCM, transposition, cross multiplication, wo aapki kaam aaya ki nahi? Yes. Yeah? अच्छा वो उसमें हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, अभी आप आपकी क्वेश्चन बड़े फास्ट फास्ट होने वाले हैं आगे भी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम फर्दर, ठीक है? चलो प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, ओके? कल दोबारा करेंगे आगे। चलो।